नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ ग्रीस की राजधानी एथेंस में, एक ऐसा शहर, एक ऐसा देश जो पिछले 10 सालों में दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। ग्रीस इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट टुनाइट। यस, ग्रीस इज द लेटेस्ट यूरोपियन इकॉनमी टू बी ऑन लाइफ सपोर्ट। ग्रीस इज एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट एंड फॉर नाउ इट ईजेस सम वरीज फॉर द ग्लोबल इकॉनमी। वेनेजुएला की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसके बाद मैं ग्रीस की इकोनॉमिक क्राइसिस को दूसरे नंबर पर डालूंगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इसके पीछे, यहाँ रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और आज भी क्या असर पड़ रहा है, ये सब जानेंगे हम आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। अपनी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 1981 में ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। उस वक्त इसकी डेट टू जीडीपी रेशियो 28% थी, यानी कितना कर्ज इस देश के ऊपर है एज अ रेशियो ऑफ कितना जीडीपी इस देश का है। 28% को एक अच्छी रेशियो माना जाता है। इनफैक्ट 60% से नीचे अगर डेट टू जीडीपी रेशियो होती है उसे अच्छा ही माना जाता है। उसके ऊपर अगर ये बढ़ेगी तो कहा जाता है कि इस देश के ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी खराब होने लग रही है। 1981 से लेकर 1999 तक जो सरकार थी यहाँ पर, उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से कर्ज बढ़ता रहा इसके ऊपर। उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया पैसा, उतना पैसा उनके पास था नहीं कि 1999 में इस देश की डेट टू जीडीपी रेशियो हो गई 97%। 1999 में यूरोपियन यूनियन ने यूरो करेंसी भी लॉन्च करी थी। ग्रीस उस करेंसी का पार्ट बनना चाहता था, वो चाहता था कि हमारे देश में भी ये यूरो के नोट्स इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक क्राइटेरिया था कि अगर किसी भी देश को यूरो करेंसी इस्तेमाल करनी है तो उन्हें मैस्ट्रिच क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब एक कंट्री की डेट टू जीडीपी रेशियो 60% या उससे कम होनी चाहिए अगर उन्हें यूरो लेना है तो। नहीं तो उनका मानना था कि अगर कोई और कंट्री ज़्यादा कर्ज होगा उनके पास, यूरो करेंसी ले लेगी तो वो संभाल नहीं पाएगी, बेयर नहीं कर पाएगी इस चीज़ को। और ऑब्वियसली बात है, ग्रीस की डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी 2001 में ग्रीस ने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसे किया, ये अपने आप में एक घोटाला है, इस पर अपनी एक लंबी कहानी है। ये बेसिकली एक गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, उन्होंने ग्रीस की मदद करी अपनी डेट को छुपाने में, जुमलेबाजी करने में। यहाँ पर इन्होंने छुपा कर रखा कि इनकी डेट इतनी ज़्यादा थी और यूरोपियन यूनियन को बेवकूफ़ बनाकर एक तरह से इन्होंने यूरो करेंसी ले ली। लेकिन इसका असर कोई ज़्यादा नहीं पड़ा उस वक्त। इनफैक्ट 2008 तक अच्छी ग्रोथ होती रही, जीडीपी पर कैपिटा बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहा ग्रीस में, लोग भी खुश थे, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी, लेकिन पीछे ही पीछे इनकी कर्ज बढ़े जा रही थी। और 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई। Is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. वैसे तो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज पर एक बुरा असर डाला, लेकिन स्पेशली ग्रीस पर इसका एक बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि पहले से ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी इनकी इकोनॉमी में। ऊपर से अक्टूबर 2009 में जब यहाँ पर सरकार बदली, इनके नए प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि पिछली सरकार डेटा फजिंग कर रही थी एक बहुत ही बड़े स्केल पर सालों से। वो कह रही थी कि इनकी बजट डेफिसिट 6.7% है, लेकिन एक्चुअली में वो 15% क्रॉस कर रही थी। इससे जो ग्रीस की रेपुटेशन है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ा दुनिया भर में। इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट लूज़ कर दिया, उन्हें लगा कि इस कंट्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अपने पैसे वापस लियो यहाँ से। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई इस कंट्री की, और लोग डर रहे थे अब पैसा इन्वेस्ट करने से कि उन्हें पता था ये कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती इन्हें पैसे वापस देना। तो ओवरऑल 2010 तक कर्ज और बढ़ती गई और कोई पैसे लेंड करने को तैयार नहीं था, इकोनॉमी नीचे गिरने लग गई बुरी तरह से। The Greek government's immediate priority is to convince Europe that it can control its budget deficit. We are ready to take any necessary measure in order to make sure that the goal of cutting our deficit by 4% in 2010. इस सब का असर क्या पड़ा? ग्रीस एक $300 बिलियन की इकोनॉमी हुआ करता था 2010 में,
इतने साल इसका जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहा कि 2017 में नीचे गिरकर सिर्फ एक $200 बिलियन की इकोनॉमी रह गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 2010 में अराउंड 12% था, 2013 में बढ़कर वो 28% हो गया। एट इट्स पीक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 60% था, यानी 60% यूथ इस देश में रहने वाले अनएम्प्लॉयड थे। आज के दिन भी हालत थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% पर है। लोग लिटरली सड़कों पर आ गए हैं और ये दिखता भी है। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ग्रीस जैसी कंट्री से जो कुछ मायनों में डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड्स पर है। जो पढ़े लिखे लोग थे जो ये अफोर्ड कर सकते थे वो देश छोड़कर जाने लगे क्योंकि यहाँ पर उन्हें फ्यूचर नहीं दिखा अपना। साथ ही साथ ग्रीस एक एजिंग क्राइसिस से भी गुजर रहा था। यहाँ का फर्टिलिटी रेट पहले से ही काफ़ी कम था। 2005 में ग्रीस की पॉपुलेशन एट इट्स पीक 11 मिलियन थी। आज के दिन ये पॉपुलेशन कम होकर 10.5 मिलियन हो गई और जिस रेट से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है ग्रीस में 2050 तक ये पॉपुलेशन सिर्फ 8 मिलियन रह जाएगी। इतने ज़्यादा लोग अगर देश छोड़कर जाएंगे तो उसका असर ग्राउंड लेवल पे क्या दिखेगा। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें मिलेंगी यहाँ पर आपको जिनकी कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोक दी गई है, अबैंडन कर दी गई हैं बिल्डिंग्स और बुरी हालत है बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की। मेरे पीछे है ओलंपिक्स का ऐसा ही एक स्टेडियम जो पूरी तरह से खंडर हो रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर इन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं ताकि अंदर कोई जा ना पाए, लेकिन जो एक झलक अंदर देखने को मिलती है ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है अंदर, सब कुछ टूटा है फूटा है और अबैंडन कर दिया गया है। कुछ बिल्लियाँ रह रही हैं वहाँ पर और ये ऐसी ही कुछ और बिल्डिंग है, यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है नीचे। यहाँ पर वॉक करके ऐसा लगता है जैसे किसी एपोकलिप्टिक सिचुएशन के बाद जो मूवीज में दिखाते हैं ना वहाँ पर वॉक कर रहे हो जैसे। This week, the Prime Minister celebrated, if that's the word, 100 days in office. He told Greeks again that they must change or sink. We know the severity of the crisis is unprecedented and much worse than we originally thought. But this is not a time for minor steps. We need to be brave and decisive. ऐसी सिचुएशन में एक सरकार क्या कर सकती है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने ऊपर कर्ज को कम करने के लिए? जरा सोच कर देखिए। ऑब्वियस सी बात है जो सरकार पैसा स्पेंड कर रही है उसको कम से कम करने की कोशिश करेगी और जो रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास उसे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगी ताकि सरप्लस में रहें और अपने कर्ज को वापस चुकाया जा सके। बेसिकली स्पेंडिंग को कम किया जाए, रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। ये कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिकली लोगों को जो पेंशन दी जा रही है उसको कम किया जाए, जो सोशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं लोगों को उसे कम किया जाए, लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए, VAT बढ़ाया जाए, कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाए। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। आप पूछेंगे अगर सरकार ये करेगी तो लोग नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली ऑस्टेरिटी मेजर्स है कि आप लोगों से पैसा ले रहे हो, सरकार को दे रहे हो ताकि सरकार अपना कर्ज चुका सके। ऐसा होता है दोस्तों, लोग नाराज हुए, ग्रीस में भी हुए इसके कारण, और 2015 में राइट्स भी हुए थे इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर। लोग सड़कों पे आ गए, दंगे करने लग गए। Last week, demonstrators battled police in downtown Athens, furious about tax hikes they've already suffered, as well as job losses and an overall pay cut of 20%. Unofficial estimates put the real number of unemployed young people at 40%. This sign says that Greece should just walk away from its massive debt, and it's an idea a lot of Greeks support. The danger is that it could trigger a catastrophic and global financial meltdown. आमतौर पर जब कोई देश ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है तो ऑस्टेरिटी मेजर्स के अलावा एक और भी सोल्यूशन होता है कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दें, करेंसी की वैल्यू कम कर दें ज्यादा नोट्स प्रिंट करके। ऐसी बहुत सी कंट्रीज करती हैं, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में ये एक्सट्रीम केस में किया गया था कि बहुत ही तेजी से उनकी करेंसी डीवैल्यू हो गई। ये सोल्यूशन कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, एक डिबेटेबल चीज है, लेकिन ग्रीस के केस में ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि इनकी करेंसी यूरो थी और ग्रीस इकलौती कंट्री नहीं थी जो इस यूरो को यूज कर रही थी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी थी, तो ग्रीस के हाथ में नहीं था अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना, इसलिए ये सॉल्यूशन, ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल ही नहीं था।
एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहता था कि ग्रीस की इकोनॉमी फ्लॉप हो जाए, ग्रीस एज अ कंट्री कंप्लीटली क्रैश डाउन कर जाए, क्योंकि वो यूरो करेंसी की जो रेपुटेशन है उसको अफेक्ट करता, और एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ऐसा हो जाता है, ग्रीस की इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, तो बाकी यूरोपियन देशों पर भी इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते थे कि दुनिया भर में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस ले आता अगर ग्रीस पूरी तरह से क्रैश कर गया तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज भी चाहती थी कि ग्रीस सक्सेसफुल रहे, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ग्रीस की इकोनॉमी क्रैश ना करे। इसी के लिए इन्होंने बेल आउट प्लान्स बनाए। The country needs a $17 billion emergency loan, mostly from European banks and governments, by the start of July, just so it can pay the interest on its massive debt. IMF और यूरोपियन यूनियन की तरफ से 110 बिलियन यूरोस का पहला बेलआउट ग्रीस को दिया गया 2010 में। इसका मतलब यह है कि इतने सारे पैसे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीस को दे रही हैं, और उसके बदले ग्रीस से कह रही हैं कि अपनी कंट्री में ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाओ। लेकिन ये बेलआउट फेल हो गया। इतने पैसे जरूर दिए गए लेकिन इससे ग्रीस की इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद 2012 में एक सेकंड बेलआउट दिया गया, और उसके एक्सचेंज में फिर से मांगा गया ग्रीस से कि और ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाओ। 2015 तक आते आते यहाँ के लोग इतने तंग हो गए थे कि उन्होंने एक एंटी ऑस्टेरिटी पार्टी को वोट दे दिया, जो प्रॉमिस कर रहे थे कि अब हम ऑस्टेरिटी मेजर्स को नहीं लगने देंगे अपने देश में, और लोगों की सैलरीज बढ़ाएंगे, वेजेस बढ़ाएंगे। 40-year-old Syriza leader Alexis Tsipras, the politician who promised to restore dignity to the country that says has been humiliated by the demands of its international lenders. Supporters cheered as he set to take charge in the country. Greece is turning a page. Greece is leaving behind a catastrophic austerity. Syriza has convinced Greeks to reject austerity, but the hard part will be to convince Europe as well. लेकिन 2016-2017 जब आया, तब तक इस नई पार्टी ने भी रियलाइज कर लिया कि कोई और ऑप्शन नहीं है ग्रीस के पास, इन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाने ही पड़ेंगे अगर इन्हें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इसके बाद 86 बिलियन यूरोस का एक तीसरा बेलआउट भी दिया गया, और 2018-19 तक आते आते इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स फाइनली दिखने शुरू हुए। अब जाकर ग्रीस की इकोनॉमी में थोड़ा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती हुई दिख रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ अब ग्रीस इन टोटल अराउंड 280 बिलियन यूरोस ओ करता है यूरोपियन यूनियन को और आईएमएफ को इन सारे बेलआउट्स के बदले, और इन्होंने प्रॉमिस किया है, एथेंस ने, ग्रीस ने, कि 2060 ईयर तक ये बजट सरप्लस में रहेंगे, डेफिसिट में नहीं जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है। सालों तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट के बाद 2017 में ये फाइनली पॉजिटिव में चला गया था ग्रीस का जीडीपी ग्रोथ रेट, और 2019 के लिए प्रिडिक्ट किया गया है कि ये 2.4% रहेगा। लेकिन इस रेट से भी अगर ये ग्रो करते रहे तो 2030 तक जब ये पहुंचेंगे तब इनकी इकोनॉमी का साइज वो होएगा जो 2010 में हुआ करता था। तो ओवरऑल 20 साल का नुकसान हुआ ग्रीस को इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। जब ये रिवाइवल करेंगे तो टूरिज्म इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा मेजर सेक्टर है जो ग्रीस इकोनॉमी को ड्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये मोनेस्ट्रीज जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ग्रीस की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लेसन्स दिखे इसकी कहानी में जिससे हमारा देश इंस्पिरेशन ले सकता है, और जिन चीजों का हमारे देश को ध्यान रखना चाहिए आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए।
मेरी राय में जाहिर सी बात है, आप कंपेयर करेंगे इंडिया की सिचुएशन को ग्रीस की सिचुएशन से, कुछ तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हमारा देश एक स्लोडाउन में है जबकि ग्रीस एक रिसेशन में चला गया था। एक दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे देश की डेट टू जीडीपी रेशियो भी 68% है, ग्रीस जितनी बुरी हालत नहीं हुई है, इतना ज़्यादा कर्ज नहीं हुआ है। एक और डिफरेंस ये है कि हमारे देश की अपनी करेंसी है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो उसमें सरकार पहले हमारी करेंसी को डीवैल्यू करने की कोशिश करेगी, जो कि आसानी से किया जा सकता है, ग्रीस की सिचुएशन में नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ग्रीस में देखने को मिलती है, जो इंडियन गवर्नमेंट को जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि डेटा फजिंग किस तरह से सरकारें करती हैं, उससे कितना बुरा असर पड़ता है देश की रेपुटेशन पे। इंडियन गवर्नमेंट भी ये करती है, जीडीपी के डेटा को फज करना, फेक डेटा दिखाना, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को छुपाना, ये सब ग्रीस की सरकार ने भी किया था। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं। ये सब मेरी राय में दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियोस इतनी डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट्स रिसर्च के साथ मैं बना पाता हूँ सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोग जो पेट्रियन पे सपोर्ट करते हैं और यूट्यूब मेंबर्स हैं, अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप पेट्रियन की लिंक यहाँ पर है और यूट्यूब मेंबर आप बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।